दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ व्हाट्सएप की 3 अमेजिंग ट्रिक्स जिन्हें आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप को डेली यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होने जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आपको ये जो राइट साइड के टॉप पे 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं 1, 2, 3, इन पर क्लिक कर दीजिए। इन पर क्लिक करने के बाद आपने जो सबसे बॉटम में आपको कमांड नज़र आ रही है सेटिंग की, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप सेटिंग पर क्लिक कर देंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। उसके बाद आपने क्लिक करना है चैट्स पर। चैट्स पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड आप सबसे बॉटम पर आ जाइए। इधर आपको एक कमांड नज़र आ रही है, ये 3 घुमा हुआ है, जिधर चैट हिस्ट्री। तो चैट हिस्ट्री पर आपने क्लिक करना है। चैट हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद आपको एक कमांड नज़र आएगी यहाँ पे, अचीव ऑल चैट्स। सेकंड नंबर पे जो कमांड है अचीव ऑल चैट्स, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। तो फ्रेंड जब आप अचीव ऑल चैट्स पर ओके कर देंगे और बैक जाएंगे तो आपकी जितनी भी चैट्स हैं वो हाइड हो जाएंगी। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई भी चैट नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसे आप अपने मैसेजों को छुपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जो मैसेज हैं वो ना शो हो तो इस तरीके से आप शो करना बंद कर सकते हैं मैसेजों को। तो अगर आपने अपने मैसेज दोबारा वापस लाने हैं तो सेम प्रोसीजर रिपीट कर लीजिए। सेटिंग पर जाइए, चैट्स पर क्लिक कीजिए, कॉल हिस्ट्री, चैट हिस्ट्री और अनअचीव। फ्रेंड जो सेकंड ट्रिक है आपके लिए वो ये है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते होंगे और सारी रात कुछ लोग वीडियो कॉल करते हैं। चलो सारी रात नहीं भी करते, 2 घंटे 3 घंटे। तो व्हाट्सएप पे जो आपका सबसे ज़्यादा डाटा जिस चीज़ में इस्तेमाल होता है वो वीडियो चैट होती है। वीडियो चैट एक ऐसी चीज़ है जो आपका बहुत ज़्यादा डाटा लेती है। तो अगर आप वीडियो चैट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वीडियो कॉल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से आप अपना डाटा बचा सकते हैं। तो डाटा बचाने के लिए आपने दोबारा 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपने क्लिक करना है अपने डाटा एंड स्टोरेज यूज़ पर। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो बिल्कुल बॉटम पे आपको एक कमांड नज़र आ रही है, लो डाटा यूजेज, रिड्यूस द डाटा यूज इन अ कॉल। तो फ्रेंड इसको आपने ओके कर देना है। इसको जब आप ओके कर देंगे तो आपका बहुत ज़्यादा जो डाटा है वो महफूज हो जाएगा। फ्रेंड जो लास्ट ट्रिक है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है और मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा यूजफुल ट्रिक्स है यार। ये ट्रिक तो हमें लाजमी पता होनी चाहिए थी। तो ये है फ्रेंड, अक्सर जो हमारा मोबाइल है वो हमारे पास नहीं होता, हमारे किसी फ्रेंड के पास होता है, हमारे किसी फैमिली मेम्बर के पास होता है। तो बास टाइम ऐसा होता है कि हमारे किसी फ्रेंड का, किसी और का, किसी रिलेटिव का ऐसा मैसेज आ जाता है जो आप नहीं चाहते कि आपकी फैमिली को शो हो, तो वो शो हो जाता है आपके नोटिफिकेशन में। तो अगर आप उस नोटिफिकेशन को हाइड करना चाहते हैं, यानी कि वो जो मैसेज है वो ना दिखे, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन ये ट्रिक है। अगेन आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, अपनी सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद फ्रेंड्स आपने जाना है अपने अकाउंट पर। जब आप अपने अकाउंट पर जाएंगे तो जो फर्स्ट कमांड है प्राइवेसी, उस पर क्लिक कर दीजिए। प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद बिल्कुल नीचे आ जाइए। यहाँ पर आपको बिल्कुल बॉटम पे एक कमांड नज़र आएगी, फिंगरप्रिंट लॉक। इस पर क्लिक कीजिए। फिंगरप्रिंट लॉक को आपने इनेबल कर देना है, फिंगर लगा देनी है अपनी। फ्रेंड जब आप इसको इनेबल कर देंगे तो सबसे नीचे आपको एक कमांड नज़र आ रही है, शो कंटेंट इन नोटिफिकेशन। ठीक है, इसको आपने ऑफ कर देना है। फ्रेंड जब आप इसको ऑफ कर देंगे आपका जो नोटिफिकेशन है वो आएगा, लेकिन आपका जो मुकम्मल मैसेज है वो शो नहीं होगा। तो इससे आप जो है काफ़ी अपनी चैट्स को, नोटिफिकेशन को जो है हाइड कर सकते हैं। यानी अगर आप नहीं चाहते हैं कि मेरा नोटिफिकेशन सबको शो हो, मेरा जो मैसेज है वो सबको शो हो, तो ये बेहतरीन फीचर है यार, इसको तो लाजमी इनेबल कर लें। तो फ्रेंड ये थी 3 ट्रिक्स आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।